राजगढ़ वासियों, स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। इन तस्वीरों में पुलिस है और नेता लोग हैं। नेता लोग कांग्रेस के हैं, सड़क जाम कर रहे थे, इसलिए पुलिस वालों ने कांग्रेसियों को सड़क से उठा करके थाने में शिफ्ट कर दिया। और ना केवल थाने ले गई, बकायदा केस भी दर्ज किया है और एक या दो या पांच या दस या पंद्रह या बीस कांग्रेसियों पर केस दर्ज नहीं हुआ है, 91 कांग्रेसियों पर केस दर्ज हुआ है। 91 कांग्रेसियों पर केस दर्ज क्यों हुआ है? और इन 91 कांग्रेसियों में से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी केस दर्ज किया गया है। आखिरकार ये पॉलिटिकल ड्रामा राजगढ़ में क्यों चल रहा था? आखिरकार कांग्रेसियों को क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि वो सड़क पर बैठकर आम जनता को परेशान करें या फिर आम जनता की सहूलियत के लिए उन्होंने सड़क जाम की? दोनों सवाल है, क्योंकि सड़क जाम हुई तो आम जनता परेशान भी हुई, लेकिन कांग्रेसियों ने जिस मंशा के साथ सड़क जाम की, उसके पीछे की मंशा क्या थी, उसके पीछे की जो हकीकत है वो क्या थी, वो हमें जानना जरूरी है। हम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मामला बता देते हैं कि मामला आखिरकार क्या है। दरअसल कांग्रेसियों ने कल सड़क रोको अभियान चलाया और इस सड़क रोको अभियान को चलाने की असली वजह यह थी कि जो पंचायतों में सरपंच लोग होते हैं उनको उनके अधिकार नहीं दे रही है सरकार, सरपंचों के पास पावर नहीं है। और दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो पंचायती राज उन्होंने चलाया था, जिसमें सरपंचों के पास पावर थी, उनके पास वो पावर थी कि वो सरपंच होकर के अपने गांव के लिए उचित निर्णय ले सकते हैं, उचित काम को लेकर आ सकते हैं। लेकिन अब ये जो वर्तमान की जो सरकारें हैं, इन्होंने सरपंचों की पावरों को कम किया है। हम उम्मीद लगाते हैं कि ग्राम पंचायतों में जो है वो सरपंच साहब काम करेंगे, लेकिन सरपंचों के पास उतनी पावर होती नहीं है। तो दिग्विजय सिंह ने पहली बात तो ये की कि इसको गैर राजनीतिक धरना बताया कि हम ये भाजपा और ये कांग्रेस का धरना नहीं है, ये ग्राम पंचायतों में सरपंचों को पावरफुल बनाने वाला धरना है। तो ये सभी पंचायतों पर लागू होता है, जहाँ पर कांग्रेस के फॉलोवर वाले सरपंच लोग बैठे हैं या फिर भाजपा को जो फॉलो करते हैं वहाँ पर भी सरपंच लोग बैठे हैं। तो हम दोनों पार्टियों के लिए, दोनों पार्टियों के जो सरपंच लोग होते हैं उनके लिए हम ये धरना दे रहे हैं। दूसरा, किसानों के अधिकार के लिए भी ये धरना कांग्रेसियों ने दिया था और किसानों के लिए लगातार जो सोयाबीन का भाव हुआ या फिर उनको मुआवजे की मांग हुई, ये भी उन्होंने मांग उठाई है। इसलिए इन्होंने सड़क रोको अभियान चलाया था और सड़क रोको अभियान में नेशनल हाईवे जो है जाम किया गया। इसमें आम जनता को परेशानी तो हुई, लेकिन आम जनता की आवाज बनकर ही कांग्रेसियों ने ये धरना किया था। और चूंकि पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। अगर ये धरना लंबे समय तक चलता, ये धरना लंबे समय तक जारी रहता, तो फिर जाहिर सी बात है आम जनता को परेशानी होनी थी और हुई भी है काफी हद तक। इसलिए पुलिस ने कानूनी कार्रवाई इसमें की है और 91 लोगों पर केस दर्ज किया है। उसमें से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी है, कई सारे पूर्व विधायक लोग भी हैं और कांग्रेस के लोग ही हैं ज्यादातर। 91 कांग्रेसियों पर ये केस दर्ज किया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको वो जरूर सुनना चाहिए। तो उनका बयान सुनिए कि ये धरना क्यों था, इस धरने का उद्देश्य क्या था और दिग्विजय सिंह सड़क पर, बीच सड़क पर कांग्रेसियों को लेकर क्यों बैठे थे, उनकी मंशा भी जरा आप जान लीजिए। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों का ये राजनीतिक कोई कांग्रेस भाजपा का ये आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन है मूल रूप से सरपंचों को उनका अधिकार दिलाने का, और वो ग्राम पंचायत के लोगों को उसमें हम लोग अधिकार संपन्न बनाना चाहते हैं, ये सारा हमारा मुद्दा है। और पूरे प्रदेश में सरपंच संघ के माध्यम से इस बात को लिया गया। अब जितने भी सरपंच हैं उन पर ये दबाव है सरकार का कि तुमने अगर भाग लोगे तो तुम्हारी काम रोक देंगे, तुम्हारे पेट पे केस बना देंगे। लेकिन
इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि ये संघर्ष यदि आपने नहीं किया तो मूल रूप से जो पंचायत अधिनियम है उस पंचायत अधिनियम का भी पालन नहीं किया जाता। हमारा किसी को परेशान करने की नीयत हमारी नहीं है और हम आज भी कहते हैं कि हमारा जो संघर्ष है वो नीतिगत है कि देश में प्रदेश में नियम और कानून का राज चलना चाहिए, संविधान से देश को चलना चाहिए। आज पंचायत राज अधिनियम मध्य प्रदेश उसमें सरपंचों को जो अधिकार दिया गया है उसका ही पालन नहीं हो रहा है। इस बात की लड़ाई हमारी उनसे है और इस लड़ाई को हम लोग चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमने ग्राम सभा में हम लोगों ने 2 अक्टूबर को मीटिंग की थी और आवेदन दिया था उसको हम लोग आज सांकेतिक रूप से 12 बजे से 2 बजे तक के बीच में हम रास्ता रोकेंगे और इस बीच में कोई अगर एम्बुलेंस आती है या कोई बहुत ही आवश्यक किसी को जाना है उसको निकलने की इजाजत भी देंगे। लेकिन बात यह है कि हमारी लड़ाई मुद्दे की लड़ाई, हमारी लड़ाई कानूनी लड़ाई, हमारी लड़ाई जनता की लड़ाई, इस बात को लेकर हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि आप सब इसमें शामिल हो और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसमें सहमत होंगे।